अबोहर के बहुचर्चित दलित भीम हत्याकांड के आरोपी शिवला डोडा और उनके भतीजे अमित डोडा ने अबोहर विधानसभा से 13 तारीख को आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र भरा था, लेकिन आज जब नामांकन पत्र वापस लेने की बारी आई तो शिवला डोडा ने अपने वकील के जरिए अपना नामांकन वापस लेकर अकाली दल बीजेपी के उम्मीदवार अरुण नारंग को समर्थन देने की घोषणा की है। अबोहर की तहसील में रिटर्निंग ऑफिस के अधिकारी के पास पहुंचे शिवला लोडा के वकील हरप्रीत सिंह और अकाली दल के हल्का इंचार्ज अशोक आहूजा ने शिवला लोडा के नामांकन वापस लिए हैं। अज असी आए इतने शिवला लोडा जी तो फार्म भरे हुए थे इतने इलेक्शन कैंडीडेट से अज उन्होंने विड्रॉ कर लिया बीजेपी अकाली दल के हक के समर्थन दिता इन्होंने पिछली बार जो भी इलेक्शन लड़े से 12 के उदो इन्होंने 47,000 वोट मिली थी तो इस बार मेरे हिसाब से 80,000 वोट पैनी है वोट वो जी के सी अरुण नारंग असी शिफ्ट कर दी। परिवारिक मैंबर उन्होंने बाहर गए आउट ऑफ स्टेशन ने तो उन्होंने वैसे मैं ही जेंट सी तो मैं हम कर रहे विड्रॉ कर रहे हैं। देखो सर यहाँ तक पंजाब के और खास तौर के अबोहर के लोगों को सवाल है ये तो पहले ही इकट्ठे थे शराब माफिया बीजेपी और अकाली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले भी शराब माफिया इनके साथ था आज भी है सर नाम बदले हैं कोई कैंडिडेट बदले हैं मसला तो वही एक ही है। तो जैसे उन्होंने आज समर्थन दिया तो आप क्या समझते हैं कि मेरा मानना है कि आज जो सवाल आपको करना चाहिए सांपला साहब से करना चाहिए। सांपला साहब को दलित लोगों को बहकाने के लिए बीजेपी एक दलित चेहरा सामने लेके आई थी और आज बीजेपी इतनी उतावली हो चुकी है कि उन्होंने कोर्ट के निर्णय का भी इंतजार नहीं किया। आज कम से कम सांपला साहब से पंजाब के लोगों को और दलित समुदाय को ये उम्मीद नहीं थी कि वोटों के लिए अपनी सारी नैतिकता और अपने सारे जो मूल्य हैं उनको एक तरफ कर दिया जाएगा दरकिनार कर दिया जाएगा।